आज की मीटिंग में आप सभी लोगों का वेलकम स्वागत है और थोड़ा सा मैं आपको अपना परिचय दे दूं। जैसे विनोद जी ने बताया, अरुण पाठक हमारा नाम है और सतना से हैं और इस बिजनेस में आने के पहले हम गवर्नमेंट टीचर थे और हमको ये बिजनेस दिखाया गया जैसे आपको भी दिखाया गया है और आप लोगों को हो सकता है कि कोई अपने बीच का आदमी दिखाया हो, आपका रिश्तेदार हो सकता है ना, परिचित हो सकता है, दोस्त हो सकता है। हमको एक अजनबी ने इस बिजनेस के बारे में बताया, उन्होंने हमको इस बिजनेस को बताया और पूरा प्लान देखने के बाद एक चीज समझ में आई कि इस बिजनेस को यदि हम करते हैं तो खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है, क्योंकि क्योंकि हम भगवान नहीं है, अपना भविष्य जानते हैं, तो चलो करके देखा जाए, है ना। जैसा ये बताते हैं कि इस बिजनेस में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी जो जॉब में संभव नहीं है, ये सारी चीजें मिल गई तो लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, यही सोच करके हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। तो हम इस बिजनेस को अपने जॉब के साथ साथ स्टार्ट किए हैं और जब हमारा बड़ा बिजनेस हो गया तो फिर हमने इस बिजनेस पे फुल टाइम डाला। तो इस बिजनेस को आपको क्यों करना है, ये बिजनेस क्या है, कैसे करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। अब देखिए, जो सबसे मेन चीज ये होती है कि हम इस बिजनेस को क्यों करें, क्योंकि आज हर इंसान कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर रहा है ना, कुछ भी करता हो, कैसे भी अपना परिवार चला रहा है। जब हम वो सब कर रहे हैं तो फिर हम ये एमवे बिजनेस क्यों करें, ये सबसे मेन चीज होती है, ध्यान रखिएगा ना। तो हम आपको कुछ एमवे बिजनेस करने के कारण बता रहे हैं और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि जब तक आपका कारण क्लियर नहीं होगा कि हमको इस बिजनेस को क्यों करना है, वाई क्लियर नहीं होगा, तो आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे, है ना। मेन होता है वाई। यदि आप अपने ऑफिस जाते हैं, आपका बॉस आपको फोन नहीं करता है, आपके घर वाले आपको नहीं बोलते हैं जाने के लिए, आप अपने से जाते हैं, क्यों जाते हैं, वहां आपका वाई क्लियर है। वाई ये है कि हम 30 दिन जॉब करेंगे, उसके बदले में हमको सैलरी मिलेगी, उससे हमारा परिवार चलेगा। तो इसी तरह से यदि आपका इस बिजनेस में कुछ वाई क्लियर होगा तो आप इस बिजनेस को अपने से करोगे। और एक चीज हम आपको बताएं कि जब तक आप अपनी अपलाइन के कहने पे इस बिजनेस को कर रहे हो तो आप इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाओगे। जिस दिन आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के इस बिजनेस को करेंगे तब आपका बिजनेस बड़ा होगा। तो देखिए, सबसे मेन चीज ये होती है कि हम इस बिजनेस को क्यों करें। आज हर आदमी कुछ ना कुछ करता है, जब करता है तो पैसा बनाता है और पैसा बनाने के बाद हर इंसान ये सोचता है कि कुछ एक तो होता है जरूरत और एक होती है सपने। तो हर आदमी अपने जरूरत या सपनों के बारे में सोचता है। हर आदमी सोचता है कि हमारे पास अच्छा मकान हो, बिग हाउस, हमारे पास अच्छी व्हीकल गाड़ी हो, हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सके। फिर आता है टूर घूमना फिरना, फिर आता है बैंक बैलेंस और लास्ट में कुछ बचा तो चैरिटी दान पुण्य करने की इच्छा होती है। यही कॉमन ड्रीम सबके पैसे बनाने की बात होते हैं, हर आदमी यही सब चाहता है। पर होता क्या है कि हर इंसान 20 वर्ष की उम्र से काम चालू करता है, लगभग वो 60-65 वर्ष तक काम करता है, वो 40 से 45 वर्ष पैसा बनाता है और 40 से 45 वर्ष पैसा बनाने के बाद 95% लोगों का सोसाइटी में ये हाल होता है कि ना उनके पास मन का घर होता, ना मन की गाड़ी होती, ना ठीक से बच्चों को पढ़ा लिखा पाते, घूमने फिरने की बात छोड़ दे, बैंक में कुछ पैसा पड़ा है, खर्चा चल रहा है, चैरिटी करना क्या, हम ही लगे रहते हैं कि कहीं से कुछ हमको मिल जाए। सिर्फ 5% हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जिनके ये सपने पूरे होते हैं। अब देखिए, जरूरत और सपने में अंतर होता है ना। हमारे पास घर है, यदि हम कहीं बाहर जाते हैं, कोई हमको अच्छा घर दिखता है और हमारे अंदर से ये आवाज निकलती है कि काश हमारे पास ऐसा मकान, मतलब जिस मकान में आप रह रहे हो वो आपके सपनों का मकान नहीं है, वो आपके जरूरत का मकान है। तो यहां पर हम जो भी बात कर रहे हैं वो सपनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिर्फ 5% हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जिनके ये सपने क्या होते हैं, पूरे होते हैं। अब यदि आपका भी कुछ ऐसा ड्रीम है जो आप अपने नौकरी से नहीं बना सकते हैं, यदि आप ये चाहते हैं कि हमारे पास मकान हो, कई मकान हो, कई शहरों में मकान हो, तो आप एमबीए इसके लिए कर लीजिए। यदि आपका ड्रीम है कि हमारे पास गाड़ियां हो, महंगी महंगी गाड़ियां हो, तो आप एमबीए इसके लिए कर लीजिए। यदि आपका ड्रीम है कि हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाए लिखाए, कहीं पैसे की प्रॉब्लम ना आए, तो आप इस बिजनेस को इसके लिए कर लीजिए। यदि आपका ड्रीम है कि हमको इंडिया घूमने को मिले और हर साल अपनी फैमिली के साथ इंडिया के बाहर घूमने को मिले और जेब का पैसा ना लगे, आप इस बिजनेस को इसके लिए कर लीजिए। यदि आपका ये ड्रीम है कि हमारे बैंक अकाउंट में इतना पैसा पड़ा रहे कि कभी पैसे की प्रॉब्लम ना आए, तो आप इस बिजनेस को इसके लिए कर लीजिए। यदि आपका ड्रीम है कि हम लोगों की मदद करें,
मदद आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा। तो ये सारी सब ये चीजें हैं। तो यदि आपका इसमें से कुछ ड्रीम है तो आप इस बिजनेस को कर ले जाएंगे, राइट। अब देखिए, एक तो कारण ये हो गया। अब देखिए, कम पढ़े लिखे लोग करें, बेरोजगार लोग करें तो समझ में आता है। आप इस बिजनेस में देखेंगे कि आपको बहुत सारे सक्सेसफुल डॉक्टर्स मिलेंगे, बहुत सारे सक्सेसफुल इंजीनियर बहुत मिलेंगे, बहुत सारे एडवोकेट मिलेंगे और बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस वाले भी आपको इस बिजनेस में मिलेंगे। अब ये सारे लोग इस काम को क्यों कर रहे हैं? इनको तो नहीं करना चाहिए, तो अच्छा काम है इनका, सब इनका तो सब कुछ सेट हो चुका है। अब देखिए, इनके करने का हम आपको कारण बता रहे हैं। देखिए, सारे लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, डॉक्टर भी अच्छा पैसा, इंजीनियर भी अच्छा पैसा, वकील भी अच्छा पैसा, बिजनेसमैन भी अच्छा पैसा, पर किसी कारण से यदि ये अपने काम पे ना जा सके तो इनकी इनकम क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। कोरोना में ये सारी चीजें देखने को आपको मिली होंगी। आप देखिए, चेक करिएगा, याद करिएगा पुरानी बातें। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये काम बहुत अच्छे हैं, पर इतने पैसा आपको तभी तक आएगा जब तक आप उस काम को करने जाएंगे, राइट। पर एमवे बिजनेस की ब्यूटी क्या है? इसमें रॉयल्टी इनकम है, एक रेसिडुअल इनकम है जिसको अपन बोलते हैं लीडरशिप कमीशन। ये पैसा ऐसा होता है, ये इनकम ऐसी होती है कि आप इस बिजनेस को एक बार बड़ा कर लेते हैं तो आप रहे या ना रहे, ये पैसा आपकी अनुपस्थिति में आपके आने वाली 3 से 4 पीढ़ियों को जाएगा, राइट। अब यही पर आप अपने आप से एक प्रश्न ईमानदारी से करें कि आज हम जो काम कर रहे हैं, हम उस काम को करने न जाएं तो क्या पैसा आएगा? यदि आपको लगता है हाँ पैसा आएगा, हो सकता है ये बिजनेस की आपको जरूरत नहीं। पर यदि आपको लगता है नहीं, आज जो हमारी इनकम है वो हमारे ऊपर डिपेंड है, जब तक हम काम करते हैं पैसा आता है, काम करना बंद कर देंगे तो पैसा बंद हो जाएगा। मतलब आप जो काम कर रहे हैं इसमें आप और आपका परिवार सिक्योर नहीं है, आपकी इनकम की सिक्योरिटी नहीं है। इस बिजनेस को इसीलिए करिए, फ्यूचर में यदि लाइफ में कोई भी अप एंड डाउन होता है तो आप और आपकी फैमिली को कभी भी पैसे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो एक तो कारण देखिए ये हो गया। अब थोड़ा सा महंगाई के बारे में देखिएगा, ये है 1940, 1960, 1980, 2000, 2020 और 2040। मतलब हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हर 20 साल में जिस गति से महंगाई बढ़ रही है, क्या हमारी इनकम बढ़ रही है, आपको उस चीज को देखना है। 1940 में जो 10 रुपए कमाता था वो अपने परिवार को चला लेता था, किसी भी 1940 वाले से पूछिएगा। उतनी फैमिली को चलाने के लिए 1960 में 100 रुपए पर्याप्त, उतनी फैमिली को चलाने के लिए 1980 में 1000 रुपए पर्याप्त। सन 2000 में जो 10,000 रुपए कमाता था अच्छे से परिवार चला लेता था, क्योंकि 2000 आपको याद है, राइट। अब इसके हिसाब से देखें तो आज के समय में सतना जैसे शहर में भी यदि आपको ठीक ठाक से रहना हो तो कम से कम 1,00,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो 2000, अब यहीं पर हम आपसे, अब ये 2023 चल रहा है, हम यहीं पर आपसे बात कर रहे हैं कि आज आप जो काम कर रहे हैं, हम आपके काम की बुराई नहीं कर रहे हैं, उस काम को करके कि आप 1,00,000, 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए महीने बना रहे हैं। यहां भी दो उत्तर होंगे, एक होगा नहीं, दूसरा होगा हाँ। यदि आपको लगता है नहीं, जो आप काम कर रहे हैं आप उस काम को अपनी ईमानदारी से करें, उसको बंद नहीं करना है। उसके साथ साथ इस काम को आप साइड में पार्ट टाइम घंटे दो घंटे अपना टाइम निकाल करके करें कि आगे आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में हमको इस बिजनेस से इतना पैसा आने लगेगा कि हमारे ऊपर महंगाई का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि आपको लगता है हाँ, तो एमवे के पैसे में दूसरी जगह के पैसे में अंतर है। दूसरी जगह आपको पैसे बनाने के लिए डेली काम पे जाना पड़ेगा, काम पे नहीं जाएंगे पैसा नहीं आएगा। इस बिजनेस को यदि आप बड़ा कर लेते हैं तो आप काम ना भी करेंगे तो आपको और आपके परिवार को इस बिजनेस का पैसा आता नहीं। और इसके हिसाब से 2040 में कम से कम आपको 10,00,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, राइट। अब हो सकता है कुछ लोग विश्वास ना माने, पर ध्यान रखिएगा, सीधा सा कैलकुलेशन है। यदि ये यहाँ सही है, यहाँ सही है, यहाँ सही है, यहाँ सही है, तो यहाँ पर सही होगा ही होगा, ध्यान रखिएगा, राइट। तो एक तो कारण ये हो गया महंगाई के लिए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब देखिए, दुनिया का कितना भी अच्छा काम होगा, लोग कितने भी परेशान होंगे, पर आप सोचो कि हर आदमी एक ही तरह का काम करने लगेगा तो यह असंभव नहीं करेगा, राइट। पर जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, यदि वो बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उसको बिजनेस करने के लिए फोर्स मत करें। आप हमेशा प्रोडक्ट की जानकारी दें, क्योंकि आज बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है केमिकल। आज मार्केट के जो प्रोडक्ट है उसमें इतना ज्यादा केमिकल है और इतना नुकसानदायक केमिकल मिला करके बेचा जा रहा है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, राइट। आज आप चेक करिए कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले क्या इतनी बीमारियां थी? नहीं थी, राइट।
तो आप उनको जब भी प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, प्रोडक्ट की जानकारी देंगे, तो आज लोगों में बहुत तेजी से जागरूकता आ रही है, बढ़ रही है जागरूकता, तो वो आपका प्रोडक्ट लेंगे, कस्टमर बन के लेंगे और आपका बिजनेस क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर कभी भी किसी को जबरदस्ती हर इंसान को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का ना सोचे। यदि वो बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उसको कस्टमर बनाने में फोकस करें, उसको आप अपना ग्राहक बनाएं, राइट। अब यहाँ पर देखिए, ये बिजनेस 1 से 2 घंटे 3 घंटे पार्ट टाइम का है। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस बिजनेस को आपको कभी कुछ बंद करके नहीं करना है। अपने वर्तमान काम को डिस्टर्ब किए बगैर आपको टाइम निकाल करके इस बिजनेस को करना है। और यदि आप एमबीए बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो ये बिजनेस पेशेंस का बिजनेस है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इस बिजनेस में यदि आप आए हैं तो कम से कम 2 से 5 साल यानी 5 साल के लिए हमेशा आप माइंड शिफ्ट करके आइए कि हम इस बिजनेस को 5 साल ईमानदारी से करेंगे, सिर्फ हम साइन नहीं करेंगे। इस बिजनेस में हम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे डालेंगे अपने हिसाब से टाइम निकाल के, और 5 साल हम इस बिजनेस को करेंगे, तब आप किसी अच्छे रिजल्ट में पहुंच पाएंगे। और करना पड़ेगा आपको 5 साल, हमेशा ध्यान रखिएगा। कहीं भी आज आप काम कर रहे हैं तो आप ये सोचे कि हम वहां पर काम ना करें, हमको पैसा मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। तो यहां भी बिजनेस है, यहां आपको बिजनेस के लिए टाइम निकाल करके इस बिजनेस को करना पड़ेगा, तभी ये बिजनेस आपका बड़ा होगा और आपको इस बिजनेस से पैसा आएगा। तो यहाँ पर 2 से 5 साल और कम से कम 1 से 2 घंटे 3 घंटे, तो ये हमने इस बिजनेस को करने के कारण बताए हैं, राइट। अब तो देखिए बहुत सारे कारण जुड़ गए हैं, बहुत सारे लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं, पीस ऑफ माइंड के लिए कर रहे हैं, है ना, क्योंकि बिजनेस एक कंप्लीट पैकेज है। तो अब तो बहुत सारे कारण नए नए लोगों के निकल के आ रहे हैं। हमने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो कोई बहुत बड़ा हमारा ड्रीम नहीं था, हमने यही सोचा था कि चलो इस बिजनेस को करते हैं, साल 2 साल 3 साल के अंदर 10-20 हजार रुपया भी साइड में आने लगेगा तो सैलरी मिलेगी, उसके अलावा 10-20 हजार मिलेगा, तो जो हम आप कंप्रोमाइज करते हैं वो हमको नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप छोटे छोटे ड्रीम निकाल करके, छोटे छोटे कारण निकाल करके, पर वो जो कारण है ना वो इमोशनल होना चाहिए। हमारे लिए 20 हजार रुपए का महत्व था और हम वो चाहते थे कि हमको आए किसी भी तरह, है ना, ये नहीं था कि नहीं चलो आ जाएगा चाहते, मतलब हम क्या बताएं, वो हमारा एक इमोशनल ड्रीम था कि हमको इतना एक्स्ट्रा इनकम चाहिए अपने परिवार को चलाने के लिए। तो इस तरह से कुछ ना कुछ आप जब इमोशनल ड्रीम निकालेंगे तभी इस बिजनेस को कर पाएंगे, नहीं तो क्यों आप निकलोगे घर से, आप बताओ, राइट। ये हो गया कारण। अब थोड़ा सा हम आपको इस कंपनी के बारे में बता रहे हैं कि ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, आप इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो आप मान के चलिए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। ये बिजनेस 1959 में स्टार्ट हुआ है, आज 108 कंट्री में चल रहा है, इसको चलते चलते 62-63 नंबर हो गए हैं और ये इंडिया में आया है 5 मई 1998 को। कॉमन सेंस यही पर्याप्त है कि कोई कंपनी 63-64-65 वर्षों से चल रही है, 108 कंट्री में चल रही है, जहां भी चल रही है किसी भी कंट्री में इसके ऊपर कोई क्लेम कोई ब्लेम नहीं है, और ये लगातार ग्रो कर रही है, राइट। तो ये बहुत यही बहुत बड़ा कारण, यही कारण पर्याप्त है किसी भी कंपनी के बारे में जानने के लिए, राइट। अब देखिए इस बिजनेस को आज हर तरह के लोग क्यों कर रहे हैं, वही कारण क्या है, क्योंकि इस बिजनेस में आपको एक साथ मनी, टाइम, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन और फ्रेंडशिप, ये 5 तरह की इनकम मिलती है जो बहुत कम कामों में या बहुत कम लोग इस तरह की इनकम बनाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा तो है और उनके पास उस पैसे की इन्वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं, टाइम है पैसा नहीं है, ये दोनों लाइफ अच्छी नहीं होती है। सिक्योरिटी तो आज देखिए कहीं गई नहीं है, जो हमने आपसे अभी पहले बात किया था, है ना, गवर्नमेंट जॉब में एक सही सिक्योरिटी थी, पर 2005 के बाद गवर्नमेंट जॉब में पेंशन बंद हो गई है। प्राइवेट और गवर्नमेंट का एक ही हाल है, जब तक आप काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। और जिंदगी में ध्यान रखिएगा 60-62 साल कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है ना, तब आप क्या करेंगे आफ्टर रिटायरमेंट, तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। रिस्पेक्ट ऑफ फ्रेंड्स, जहां हम काम करते हैं वहां हमारे काम करने का दायरा एक सीमित होता है, लिमिटेड होता है, तो ना बहुत सारे लोग हमारे रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारे हमारे फ्रेंड। यदि आप इस बिजनेस को बड़ा कर लेते हैं तो आपको मन का पैसा मिलेगा, उस पैसे की इंजॉय करने के लिए टाइम मिलेगा, रॉयल्टी इनकम कार्ड, आपकी फैमिली सिक्योर रहेगी, बहुत सारे लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे और बहुत सारे नए आपके क्या बनेंगे, फ्रेंड बनेंगे। अब जैसा हमने आपसे बात किया था कि 95% हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनके सपने पूरे नहीं होते, वो सिर्फ अपना जीवन यापन करते हैं, हैंड टू माउथ, खाने और कमाने में उनका पूरा जीवन निकल जाता है, वो कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जिन जो बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं, जिनके बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत ही उंगली कुछ आप उंगलियों में गिन सकते हैं, कुछ एम्प्लाइज हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लाइज नहीं है ना।
अब ऐसा कारण क्या है? क्योंकि काम ये भी करते हैं, पैसा ये भी कमाते हैं, इनके सपने पूरे होते हैं नहीं होते हैं। काम ये भी करते हैं, पैसा ये भी कमाते हैं, इनके बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं। आज दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी चैरिटी है यही 5% लोग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा 10 मिनट गौर से देखिएगा, दोनों के काम करने के तरीके में अंतर है। या जो ये 5% लोग पैसा कमाने का तरीका जानते हैं या यूज करते हैं, ये 95% लोग नहीं जानते हैं ना यूज करते हैं। अब देखिए लोग 95% लोग पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, ये लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, 6 से 8 घंटे काम करते हैं। दूसरा प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं। तीसरा पैसा कमाने के लिए लोग ट्रेडिशनल बिजनेस, इसमें भी 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं। और चौथा लोग पैसा कमाने के लिए एग्रीकल्चर, खेती, इसमें भी लोग 10-10, 12-12 घंटे करते हैं। आप गौर से देखिएगा जो 95% हमारा समाज है ये 4 तरीके से ही पैसा कमाता है, 4 प्रोफेशन, ट्रेडिशनल बिजनेस और खेती एग्रीकल्चर। और ये सब काम करने के बाद जो इनकम होती है वो इनकम हमारी टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी से मतलब ये है कि आप जॉब में जाओगे पैसा आएगा, नहीं जाओगे पैसा नहीं आएगा। डॉक्टर पेशेंट देखेंगे और किसके चाहिए नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा। दुकान वाला दुकान नहीं खोलेगा, पैसा नहीं आएगा। खेती वाला खेती नहीं करेगा, पैसा नहीं आएगा। सीधा सा पैसा कमाने का एक फार्मूला है, टाइम इज इक्वल टू मनी, समय डालिए और पैसा कमा लिए। हम लोग आप गौर से देखिएगा, हम लोग 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, उसके बदले में हमको पैसा मिलता है। हमको और ज्यादा पैसा कमाना है तो टाइम डबल मतलब ओवर टाइम। अपन लोग सुना करते थे बचपन में जो फलाने रेलवे में ओवर टाइम को पैसा मिलता है, ये कोल माइंस में वर्क काम करते हैं तो ये कंपनी में इनको ओवर टाइम मिलता है। ओवर टाइम मतलब इन्होंने अपने काम करने के घंटों को डबल कर दिया, इनकम डबल हो गई और काम करना बंद कर दिए, इनकम बंद हो गई। और इसमें जो स्थिति है कितने आजकल ओवर टाइम हर जगह बंद हो गया है। आपके ऑफिस जाने का टाइम निश्चित है पर आने का कोई टाइम निश्चित नहीं है, राइट। यहाँ पर हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया में जो 5% अमीर है वो क्यों अमीर है, क्योंकि उन्होंने अपने वर्किंग आवर को बढ़ा लिया, काम करने के घंटों को बढ़ा लिया तो उनकी इनकम बढ़ गई। ये सब काम करके हम लोग अमीर क्यों नहीं होते, इसमें 2 प्रॉब्लम है, जॉब प्रोफेशन, ट्रेडिशनल बिजनेस और खेती एग्रीकल्चर में। पहली प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे काम अकेले ही किए जाते हैं। आप जॉब में अकेले जाते हो, डॉक्टर पेशेंट अकेले देखता है, बिजनेस में दुकान अकेले खोलता है, खेती वाला अकेले खेती करता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो हमारे पास काम करने का टाइम होता है वो होता है लिमिटेड 24 घंटा। और आप अपना टाइम जोड़िएगा, यदि आप 8 घंटे डेली काम करते हैं, आप 40 वर्ष काम करेंगे तो आप अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 96,000 घंटे काम करते हैं। आप अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 1,00,000 घंटे काम करते हैं पैसा माने। तो जब आप अकेले काम करेंगे, सिर्फ अपने लिए काम करेंगे, 24 घंटा की लिमिटेशन में काम करेंगे तो आपकी इनकम क्या होगी, लिमिटेड इनकम होगी। अब देखिए जो सक्सेस का सिद्धांत है, जो अमीर बनने का सिद्धांत है, वो ये कहता है, और ये सिद्धांत सबके लिए काम करता है, ध्यान रखिएगा, वो ये कहता है कि यदि आपको अमीर बनना है तो एक किताब आती है प्रोफाइल ऑफ सक्सेस, उसमें अमीर बनने के सिद्धांत दिए गए हैं। उसमें पहला सिद्धांत अमीर बनने का, यदि आपको अमीर बनना है तो बिजनेस आप क्यों रहा है, कोई ना कोई आपको बिजनेस करना पड़ेगा, नौकरी करके कोई भी आदमी अमीर नहीं हुआ। आप चेक कर अपने गांव का, अपने शहर का, अपने प्रदेश का फॉलो ओवर बढ़ा। दूसरा, जो आप बिजनेस करें वो कंज्यूमेबल एंड अफोर्डेबल चीजों का करें, रोजमर्रा की चीजों का बिजनेस करें। टाटा वाले ट्रक बस बनाते थे, आज चाइना में साबुन बनाने लगे। तीसरा सक्सेस का प्रिंसिपल है कि एक काम करके एक जगह से यदि आप 100 रुपए बना रहे हैं तो आप जिंदगी में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मतलब यदि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक है तो आप हमेशा तलवार की धार में बैठे हुए हैं, दोस्त ध्यान रखिएगा, राइट। अब यही पैसा यदि 100 रुपए 100 जगह से आए, 10-20 जगह से बल्कि हो जाएगा तो 8 जगह से 80 रुपए आएगा कि नहीं आएगा, मतलब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कई होने चाहिए। और तीसरा सक्सेस का प्रिंसिपल है कि जो आप पैसा कमाए वो हेल्पिंग अदर्स, लोगों की मदद करके कमाए, जिसमें आपका या कि टाइम मल्टीप्लीकेशन या डुप्लीकेशन, मतलब आपके पास जो पैसा बनाए वो आप नेटवर्क के थ्रू पैसा बनाए। तो ये है 4 सक्सेस के प्रिंसिपल, राइट। मतलब यदि आपको अमीर होना है तो इन्हीं सिद्धांतों को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अब एक चीज आप ये बताइए, और दूसरा इनकम बनाने का फार्मूला ये होता है कि इनकम इक्वल टू रेट पर आवर इनटू आवर, मतलब आपकी इनकम आपके प्रति घंटे का रेट क्या है, कितने घंटे आप काम करते हैं, इस पर आपकी इनकम डिपेंड होती है, राइट। अब जो कि सबके पास फिक्स क्वालिफिकेशन होती है, वहां पर जो हमारा रेट होता है वो फिक्स होता है,
टाइम फिक्स है क्योंकि भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं, तो जो हमारी इनकम होगी वो भी फिक्स होगी कि नहीं होगी, राइट। अब सक्सेस कंपनीज पर ये बोलता है कि यदि आपको अमीर बनना है तो आपको अपने टाइम को रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप खुद बताइए क्या जॉब प्रोफेशन ट्रेडिशनल बिजनेस और खेती में आप अपने टाइम को रेट को बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते, हम अकेले काम करते हैं, इसीलिए हम पूरी जिंदगी हैंड टू माउथ में हमारी चली जाती है, राइट। अब देखिए 5% कुछ अमीर लोग हैं, मतलब हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया में जो 5% अमीर लोग, 95% अमीर लोग हैं, ये वर्क करके पैसा कमाते हैं, ये काम करते हैं किसी दूसरे के यहाँ और इनके पास पैसा आता है। अगर ये 5% अमीर लोग हैं, ये जब इनके नीचे हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क होता है, वो सारे लोग इनके लिए काम करते हैं, तो इनका बहुत पैसा होता है। तो यहाँ पर यदि आप पैसे को डिवाइड करेंगे तो जो 95% पैसा है वो 5% लोगों के पास है, और 5% में ये 95% लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, राइट। अब ये देखिए 5% लोग कैसे ये नेटवर्क को पैसा कमाते हैं, कैसे ये नेटवर्क बनाते हैं, हम आपको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। जैसे बाटा वाले के बारे में बताते हैं कि बाटा वालों की एक दुकान थी, ये इनका जो मेन बिजनेस है, बाटा वाले कनाडा की कंपनी है, कनाडा से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1940-41 के आसपास, बाटा कंपनी ने शुरुआत किया था। तो इनकी एक दुकान थी, एक दुकान चलने के बाद भी ना इनके पास पैसा था ना समय था, तो इनको दो चीजों के पहला और दूसरा सिद्धांत तो इन्होंने लगाया अमीर बनने का, कि इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और डेली यूज के प्रोडक्टों को बिजनेस स्टार्ट किया, पर इसके दुकान चलने के बाद भी ना इनके पास समय था ना पैसा था। तो जब इन्होंने कारण पता लगाया तो इनको दो चीज समझ में आई कि पहला तो हमारे पास जो काम करने का टाइम है वो है लिमिटेड 24 घंटा, और दूसरा हमारा एरिया लिमिटेड है, यदि सतना में हमारी दुकान है तो रीवा का आदमी सामान खरीदने नहीं आएगा। तो इनको ये समझ में आ गया कि हमको समय और पैसा दोनों चाहिए, तो सक्सेस का तीसरा और चौथा फार्मूला लगाना पड़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना पड़ेगा और नेटवर्क के थ्रू पैसा कमाना पड़ेगा। इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी फ्रेंचाइज देना चालू कर दिया। आज देखिए रीवा, सतना, दिल्ली, बंबई, भोपाल, ऑल ओवर वर्ल्ड में आज बाटा के 20,000 से ज्यादा शोरूम है। एक दुकान यदि इनकी 10 घंटे चलती है तो डेली का 2,00,000 घंटे काम हुआ। हम आपस अभी क्या बात किए थे कि एक आदमी 8 घंटे डेली काम करता है वो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 घंटे काम करेगा। इनका एक दिन में 1,00,000-2,00,000 घंटे काम हो रहा तो कौन ज्यादा पैसा कमाएगा बताइए। और एक दुकान से 100 रुपए भी आ रहा है तो 20,00,000 रुपए डेली की इनकम बाटा की हो गई कि नहीं हो। ये है नेटवर्क की पावर। और इन्होंने शर्त क्या रखी सतना रीवा सब वालों से कि पैसा आप लगाओगे, हम तरीका बताएंगे, जब 100 रुपए कमाना तो हमको 4 रुपए देना है। 4% की डील का इतना बड़ा पावर आप देखिए कि 20,00,000 रुपए डेली कमा रहे हैं। और एक जॉब वाला आदमी कितने साल उसको लग जाता है 20,00,000 रुपए कमाने में, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए बाटा वालों के पास पैसा है, टाइम की फ्रीडम है, फैमिली सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप, पांचों चीजें हैं कि नहीं है। उनके पास पैसा है, टाइम की फ्रीडम है, क्या बाटा का मालिक उधर चिंता होगा क्या? वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, सिस्टम में सारे उनके एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और वो फैमिली का एंजॉय कर रहे हैं, उनके पास पैसा है। सिक्योरिटी तब तक दुनिया रहेगी लोग जूते पहनेंगे और पैसा आएगा। रिस्पेक्ट ऑफ फ्रेंडशिप कोई करे या ना करे, जो 20,000 लोग उसकी फ्रेंचाइज दिए हैं ये इसका रिस्पेक्ट करेंगे, इसके फ्रेंड हुए कि नहीं। तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट कहलाता है ये फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट कहलाता है। टाटा बाटा रिलायंस इनके पास वो सब इसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, इनके पास नेटवर्क की पावर है, राइट। इन्होंने अपना नेटवर्क बनाया, नेटवर्क में आज लाखों लोग इनके साथ काम कर रहे हैं और इनके पास पैसा आ रहा है, राइट। तो हमारा कहने का मतलब है यहीं से एमवे बिजनेस की शुरुआत होती है। एमवे बिजनेस कोई स्कीम और मेंबर वाला काम नहीं है, ये प्योर एंड कंप्लीट बिजनेस है। जब ये इंडिया में आए तो उन्होंने 6 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, आज इनके पास 160 प्लस प्रोडक्ट की बहुत बड़ी रेंज। अब एमवे बिजनेस है कैसे लोगों का? एमवे बिजनेस उन सब लोगों के लिए है जो ड्रीमर है, एम्बिशियस है, कुछ भी कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ और पैसा कमाना चाहते हैं या अमीर बनना चाहते हैं, या जिनको ये मालूम है कि यदि हमको अमीर बनना है तो हमको नेटवर्क बनाना पड़ेगा और वर्तमान में हम जो काम कर रहे हैं वहां पर हमारे पास नेटवर्क बनाने का कोई भी मौका नहीं। देखिए हम टीचर थे, वहां पर हम नेटवर्क नहीं बना सकते थे, अकेले काम करते थे और हमको सैलरी मिलती थी। तो यहां पर एमवे बिजनेस आपको नेटवर्क बनाने का क्या देता है? मौका देता है, राइट।
अब देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में एक बात और आ सकती है कि चलो भाई हम भी बिजनेस करेंगे, चलिए आपने बाटा का बिजनेस कर लिया, पैसा लगाया, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जब तक दुकान खोलेंगे पैसा आएगा, दुकान नहीं खोलेंगे पैसा नहीं आएगा, और आप अपने नीचे किसी को फ्रेंचाइज नहीं दे सकते। मतलब ये अमीरों का बिजनेस है, राइट, सबके बस का नहीं है, या कि अब आप करोड़ों रुपया लगाओ फिर अपनी कंपनी खोलो, फिर प्रोडक्ट बनाओ, फिर नेटवर्क बनाओ। तो एमबी बिजनेस यही पर आपको हेल्प करता है कि आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट हम बनाएंगे, क्वालिटी हम मेंटेन करेंगे, और आप हमारे साथ पार्टनरशिप में काम करके आप अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। कैसे, कोई एक्स आदमी है वो किसी वाई आदमी के साथ बिजनेस में जुड़ता है, जो पहले से बिजनेस में जुड़ते हैं, आप जब जुड़ते हैं तो कुछ आपको पेपर देने पड़ते हैं, है ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें, आपका आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर अलॉट हो जाता है, आपको 160 प्रोडक्ट की एजेंसी मिल जाती है, आप इन प्रोडक्टों को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। और दूसरा जो सबसे बड़ा आपको अधिकार मिलता है कि जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, आप अपने नीचे बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो जब आपकी एक बहुत बड़ी टीम बनेगी, एक बहुत बड़ा आपका नेटवर्क बनेगा, तो जब सारे लोग मिलकर के काम करेंगे तो आपका 24 घंटा लाखों घंटों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है और आपके पैसे बढ़ते हैं, है ना। तो ये है एमबी बिजनेस। यहाँ अब देखिए इस बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा, भाई बिजनेस है बहुत बढ़िया है ना, हमको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, पर पैसा कहाँ से आएगा। इस बिजनेस की एक ब्यूटी और है, यहाँ पर आपको 2-4 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कुछ अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। आप जो खरीदारी करते हैं मार्केट से, वहां से खरीदारी ना करके आपको एमबी से खरीदारी करनी पड़ेगी। कैसे, आज देखिए हम अपनी जरूरत का सामान मार्केट से लाते हैं हर महीने, है ना, 1 तारीख को वापस, मैक्सिमम घरों में खासकर जॉब जो भी लोग जॉब में यहाँ देखिए उनकी एक लिस्ट बनती है, भाई ये सामान लाना है ना, कपड़ा धोने का, बर्तन धोने का, साबुन, तेल, मंजन, जो भी सामान हमारे घर में लगता है, वो सामान ना दुकान वाले के घर में बनता है ना हमारे घर में बनता है, वो सामान एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बनता है, कंपनी से सीधे जाता है जॉबर या एडवर्टाइजमेंट वालों के पास, यहाँ से जाता है होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और ये रिटेलर से जाता है कंज्यूमर या कस्टमर। आज यही सिस्टम है सामान मिलने का, माने हमको यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से सामान नहीं मिलता है ना होलसेलर के यहाँ से, हम एक रिटेलर के यहाँ से सामान लाते हैं। तो जो सामान यहाँ कंपनी में 40 रुपए का बनता है वो हमारे यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है, 60% पैसा या 60 रुपया मिडिल मैन की पॉकेट में चला जाता है पहुंचाने। एडवर्टाइजमेंट वालों को दो काम है, बड़ी बड़ी होल्डिंग्स और टेलीविजन में एड देना, टेलीविजन का खर्चा तो मतलब है, एडवर्टाइजमेंट का तो खर्चा ना पूछिए, बहुत महंगा है। आज बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े 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 खिलाड़ी हैं, जो जितना पैसा वो क्रिकेट और फिल्म बनाने से नहीं बनाते, उससे कई गुना ज्यादा पैसा वो एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं। होलसेलर ये स्टार कर लेते हैं, ये भी 20-30%, और फिर यहाँ से रिटेलर ये भी 10-20% कमाते हैं, और इसका नाम रखा गया है कस्टमर। कस्टमर का संधि विच्छेद क्या करेंगे तो क्या होगा, कष्ट धन मन, माने पूरे सिस्टम में मेन ये कस्टमर है, इसको हटा देती वो पूरा सिस्टम अपने आप खत्म हो जाएगा। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही, माने हम 100 रुपए का जो सामान लाते हैं 60 रुपए इनकी जेब में चला जाता है, 40 रुपए कीमत का हमको सामान मिलता है। की तो एमबे ये बोलता है कि आपने पूरी जिंदगी यहां से सामान खरीदा, आपको कुछ नहीं आया, आप हमसे डायरेक्ट जुड़ जाओ। जब आप डायरेक्ट जुड़ करके हमसे सामान लोगे तो हम आपको दो प्रॉफिट देंगे। पहला प्रॉफिट इस देंगे कि जो हम आपको प्रोडक्ट देंगे वो शुद्ध प्रोडक्ट देंगे, केमिकल फ्री तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो एमबे में प्रोडक्ट जो केमिकल यूज किया जाता है वो इस तरह का केमिकल यूज किया जाता है जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है ना, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे साबुन है उसमें कुछ ना कुछ तो केमिकल मिलाया जाएगा। तो कभी भी अपन को इन सब चीजों में भी थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे अपन लोग एकदम रटे हैं केमिकल फ्री केमिकल फ्री, तो केमिकल दो तरह से होते हैं, केमिकल है वो तो हार्मफुल केमिकल जो बहुत ज्यादा नुकसान करता है, और दूसरा ऐसा केमिकल वो तो महंगा आता है इसकी तुलना में जो हमारे शरीर को कम नुकसान पहुंचाता है। तो एमबे जो भी केमिकल यूज करता है वो ऐसे केमिकल यूज करता है जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते, राइट। तो हम आपको प्रोडक्ट देंगे, अच्छे प्रोडक्ट देंगे, और दूसरा जो ये 60% पैसा इनकी जेब में जाता है हम आपको एक बिजनेस के थ्रू वापस कर देंगे। वो कैसे, जैसे जब आप एमबे में जुड़ते हैं तो इसमें तो आपको कंपनी करीब 5-6 तरह की आपको प्रॉफिट देती है। पहला तो आपको
10-20% का पहला प्रॉफिट देती है डीएपी एमआरपी के बीच में डिफरेंस, और करीब 10% आपके अकाउंट में कैश बैक जाएगा। दूसरी प्रॉफिट कंपनी आपको देगी 3-21% परफॉर्मेंस बोनस, ये पैसा तब आपको मिलेगा जब आपकी टीम बनेगी, टीम में बिजनेस होगा। तीसरी प्रॉफिट कंपनी आपको देगी 6% रॉयल्टी इनकम। चौथी प्रॉफिट आपको देगी 5% इंटरनेशनल बोनस और डेप्थ बोनस। पांचवा 10 तरह के बहुत सारे सीएसआई बीबीआई ये सब आपको देती है। अब यहाँ पर देखिए जो ये 6% लीडरशिप कमीशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमीशन है। आज बहुत सारे लोगों को देखेंगे तो अच्छे अच्छे हाई फाई प्रोफाइल के वो इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, वो इस बिजनेस को ये जो 6% पहले आप इसको रॉयल्टी इनकम बोलते थे, अब आप इसको लीडरशिप कमीशन बोलते हैं, इसके लिए कर रहे हैं। अब देखिए रॉयल्टी इनकम क्या होती है, हम एक बार काम कर जाए, बाद में काम करें या ना करें, दुनिया में रहे ना रहे, वो पैसा हमको हमारी फैमिली को जाता है। आज रॉयल्टी इनकम तीन तरह के लोगों को मिलती है, राइटर, सिंगर और साइंटिस्ट को। आप इस तरह का कोई काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो आप इस बिजनेस को करके उसी तरह की इनकम लीडरशिप कमीशन आप बना सकते हैं, जो आपके न रहने पर आपकी तीन पीढ़ियों को जाएगा। तो ये इस तरह से क्या है, इसमें इस तरह से पैसा आता है। अब इस पैसे को बनाने के लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे, क्या काम करना पड़ेगा हम आपको बताते हैं। पहला है इसमें एजुकेशन, ध्यान रखिएगा एजुकेशन। इस बिजनेस में जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। हम तो सीधा से बोलते हैं कि जब आप इस बिजनेस को सीख के करोगे तो दुनिया में इससे सरल कोई काम नहीं है पैसा कमाने का, पर यदि आप इसको बिना सीखे करेंगे तो इससे कठिन कोई काम नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो सीखने के लिए इसमें बुक्स हैं, टेप्स हैं, सीरीज हैं, इस तरह की मीटिंग्स हैं। आप अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, वो आपको इस बिजनेस को करने का तरीका बताएगी, किस बिजनेस को आपको क्या क्या करना पड़ेगा बड़ा करने के लिए। पर ये सब हो तभी होगा जब आप इंटरेस्ट रखोगे। तो आप इस बिजनेस को सीख के करो तुरंत, बहुत ज्यादा हड़बड़ी में मत आओ। बहुत सारे लोग हमने देखा वो बिजनेस ज्वाइन करते हैं, दूसरे दिन 2-4-10 हजार का सामान लेके झोला में लेके चल देंगे कि तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। जब जाते हैं वहां से उनको कुछ निगेटिव लोग मिलते हैं तो डिमोटिवेट होकर घर में बैठ जाते हैं। है ना भाई, आपका न्यूट्रेलिटी कोई क्यों लेगा, आपका कोई सामान क्यों लेगा, आपने डेमोन्स्ट्रेशन सीखा नहीं, आपको प्रोडक्ट की जानकारी है नहीं। तो आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको तो प्रॉब्लम जाएगी कि नहीं जाएगी। और शुरू में आप अपनी हेल्पलाइन अपलाइन की हेल्प लीजिए, वो आपकी मदद करेगी, आपको सिखाएंगे। तो यहाँ से एजुकेशन लीजिए और फिर जब आप काम करेंगे, इसमें आपको पहली डिग्री मिलती है प्लेटिनम की। यहाँ पहुंचने पर 1-2-3 वर्ष का समय लगता है और यहाँ पर जो आपकी इनकम होती है कम से कम 70-80 रुपए पर मंथ के आसपास। दूसरी आपको इसमें डिग्री मिलती है, ये मिलती है एमराल्ड की। यहाँ पहुंचने पर 2-3 वर्ष का समय लगता है और यहाँ पर आपकी इनकम होती है 2-3 लाख रुपए पर मंथ के आसपास। तीसरी आपको इसमें डिग्री मिलती है डायमंड की, यहाँ पहुंचने पर 3-5 वर्ष का समय और इनकम 3-5 लाख रुपए पर मंथ के आसपास। अब यहाँ पर देखिए 2-3 चीज आप अपने आप से प्रश्न करिए, सोचिए, तो हो सकता है कि आपको इस बिजनेस को करने में हेल्प मिले। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस बिजनेस से आपकी अपलाइन आपको प्लान बता सकती है, बिजनेस कराने का तरीका बता सकती है, क्या क्या इस बिजनेस से मिल सकता है, सब कुछ बता सकती है। पर करना और ना करने का निर्णय आपको आपका ही होगा, है ना। जब आप ही निर्णय लोगे तभी चलेगा, नहीं लोगे नहीं चलेगा। तो यहाँ पर दो अपने आप से प्रश्न करिए, सोचिए कि जो ये बताते हैं प्लान में 1 लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपया महीना, 3 लाख रुपया महीना, 5 लाख रुपया महीना, 10 लाख रुपया महीना, है ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, क्या इतना पैसा कमाने का हमारे पास कोई रास्ता है। यदि आपको लगता है हाँ तो हो सकता है ये बिजनेस आप ना कर पाओ, और यदि आपको लगता है नहीं तो यहाँ आपका स्वागत है, लोग पैसा इतना बना रहे हैं, राइट। दूसरा, हमारे देश में डिग्रियों में हजारों लोग पहुंच चुके हैं, तो जिस काम को हजारों लोग कर चुके हैं वो काम असंभव नहीं है, है ना, किया जा सकता है, बसरते थोड़ा सा आपके अंदर गट्स होना चाहिए, दम होना चाहिए काम करने का, राइट। तो ये, और जो अंतिम काम है वो हमारा है वो नेटवर्क बनाना। जैसे हमने आपको बताया कि दुनिया में अमीर लोग क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। अब यदि आपको भी अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, है ना। अब उस नेटवर्क शब्द को आप चाहे जिस शब्द से परिभाषित करो, है ना, बहुत सारे लोग बहुत उल्टे उल्टे शब्द यूज करते हैं, है ना, पर अब वो स्थितियां नहीं है। बहुत लोगों की सोच में अंतर आ चुका है, समय बदल चुका है, क्योंकि लोगों को मालूम चल चुका है कि यदि हमको अमीर बनना है तो कोई ना कोई नेटवर्क ही बनाना पड़ेगा, है ना। जब हम नेटवर्क बनाएंगे तभी हमारा टाइम मल्टीप्लाई होगा, जब हमारा टाइम मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास पैसा आएगा। वहां पर ऐसे यहाँ पर आप हो गए, यहाँ पर एक गुरुकुल करके एजुकेशन सिस्टम हो गया, यहाँ पर आपके यहाँ बेकार पुरुषन हो गया। अब यहाँ पर हम आपको देखिए 6 सपोर्ट 3 का एक काल्पनिक प्लान दिखा रहे हैं कि इसमें आपको पैसा कैसे आएगा। अब यहाँ पर 3 चीज है, एमवे है यहाँ पर आपको, यहाँ पर एक एजुकेशन सिस्टम, राइट।
और एमबे प्रोडक्ट आती है, आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देगी एमबे का काम क्या है, और 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो भी आपका टर्नओवर होगा अगले महीने 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपके खाते में पैसा डाल देगी। और ये गुरुकुल है, इसमें आपकी अपलाइन भी है, ये सारे लोग आपकी हेल्प करेंगे बुक्स, टेप, मीटिंग, सीडी के थ्रू कि आप एमबे बिजनेस कैसे बड़ा कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप है, इंडिया में सर्वे किया गया कि लोगों के घर में 4,000 रुपया से लेकर 10,000 रुपया तक का सामान लोगों के घर में यूज होता है। आप भी चेक करिएगा, इतना 4-5 हजार का सामान सबके घर में लग जाता है। एक एग्जांपल, आपने एमबे ज्वाइन किया और आपने अपने घर के लिए करीब 10,000 रुपए का सामान लिया। अगेन 10 कोई फिक्स नहीं है, 2, 4, 6, 10, 20 कुछ भी हो सकता है आपकी जरूरत के हिसाब से। एक हम एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, आपने 10,000 रुपए का सामान लिया तो करीब आपको ये 800 रुपए कम रेट में मिला, जो डीएपी एमआरपी का डिफरेंस हुआ, और करीब 800 से 900 रुपए आपके क्या है अकाउंट में पैसा चला जाता है। इस तरह से करीब 1600 रुपए की आपको प्रॉफिट मिला। आपने 10,000 रुपए का सामान लिया, करीब 1600 रुपए की आपको प्रॉफिट होगी। बाजार से आप 10,000 का सामान लाइएंगे तो कितनी प्रॉफिट होगी, कुछ भी नहीं होगी। अब जब आपने प्रोडक्ट यूज किया या प्रोडक्ट की क्वालिटी रेट से संतुष्ट है, तो नहीं है किसी को मत बताइए, पर यदि आप संतुष्ट हैं कि यार प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, चलो कुछ तो पैसा आया, तो ये बात आप अपनी अपलाइन की हेल्प लेकर के 2, 4, 6 दोस्त मित्र रिश्तेदारों को बताया जा सकता है या बताइए। सपोज यदि आपने 6 लोगों को बताया यहाँ से सीखिए और यहाँ से सामान ले, इस बिजनेस पे दो ही तो काम, बिजनेस ज्वाइन करना, प्रोडक्ट यूज करना, नेटवर्क बनाना और कस्टमर बनाना, टोटल ये 3 ही काम है इस बिजनेस। और चौथा, ये सब चीजें कैसे करेंगे, उसमें आप सीखते रहिए, उसमें आपकी अपलाइन है, सिस्टम आपकी मदद करेगा। तो यहाँ पर देखिए नेटवर्किंग की पावर, देखिए 3, 6, 1 आप मिला के 7 लोगों का आपका एक टीम बन गया, ग्रुप बन गया, नेटवर्क बन गया। लोगों ने अपने घर के लिए 2, 2, 4, 4, 10, 10 हजार का प्रोडक्ट यूज किया, तो करीब आपका 70,000 का टर्नओवर गया। यहाँ पर करीब आपको 10,000 रुपए के आसपास आने लगा, धीरे धीरे इनकम बढ़ रही है। इसीलिए कहा जाता है पार्ट टाइम का काम है, धीरे धीरे करते चलिए, धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ती चले। ये लोग पैसा कमाने आए हैं, हमें इनकी मदद करेंगे। सपोर्ट के लिए 4-4 लोगों को आप एक साथ लाते हैं, 4, 5, 5, 6, 31 लोगों का आपका एक नेटवर्क बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ पर आपका करीब 3,10,000 का टर्नओवर जाता है और यहाँ पर करीब आपको 20 से 30 हजार रुपए पर मंथ के आसपास आने लगता है। अब देखिए हम कहते हैं, देखिए लोगों से हम यही बताते हैं, चलिए आपने एमबे स्टार्ट किया, 1-2 साल, 3 साल में भी 20-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा आने लगे तो क्या कोई घाटे का सौदा है, क्या कम होता है क्या इतना पैसा? आज आप जो काम कर रहे हैं वहां पर क्या 1-2 साल, 3 साल में यदि आप 10,000 कमाते हैं तो 20,000-30,000 हो जाएगा कि नहीं होगा? यहाँ तो देखिए हो रहा है, और वो भी जो हम वर्तमान में जो कर रहे हैं उसको हम बंद नहीं कर रहे हैं। अब ये लोग भी पैसा कमाने आएंगे, सपोज करिए 3-3 लोगों को लाते हैं, 3, 4, 16, 17 लोगों के 6 ग्रुप हो गए, 17, 6, 102, 1 आप पहले से थे, 103 लोगों का ग्रुप हो गया, लोगों ने अपने घर पे 2-2, 4-4, 10-10 हजार का प्रोडक्ट यूज किया, तो करीब आपका 10 लाख का टर्नओवर गया। यही पर आपकी इनकम हो जाती है करीब 1 लाख रुपए पर मंथ के आसपास। जिस दिन आपका और आपके ग्रुप का टर्नओवर 10 लाख रुपए पर मंथ का हो जाता है, उसी दिन आपको प्लेटिनम की डिग्री मिलती है, कंपनी से थैंक्स का लेटर मिलता है, और यही से कंपनी आप और आपके परिवार को इंडिया से बाहर घूमने का क्या देती है, मौका देती है, और आप प्लेटिनम बनते हैं, कंपनी में आपकी एक पहचान बनती है, राइट। अब ये जो 10 लाख का टर्नओवर है, आप 50 लोगों में कर ले, 100 लोगों में कर ले, 500 लोगों में कर ले, 1,000 लोगों में कर ले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप टाइम की कंपाउंडिंग की पावर देखें, 7 लोग आपके ग्रुप में है, 2-2 घंटे काम करते हैं तो आपका 14 घंटे काम होने लगा, 31 लोग हैं 2-2 घंटे काम करते हैं तो 62 घंटे काम होने लगा, 103 लोग हैं 2-2 घंटे काम करते हैं तो 206 घंटे काम होने लगा, दिन में होते हैं 24 घंटे आपका काम हो रहा है, 206 घंटे ज्यादा पैसा आएगा कि नहीं आएगा? यही तो टाइम कंपाउंडिंग की पावर है, नेटवर्क की पावर है। अब जैसे आप प्लेटिनम बनते हैं, अब इसमें देखिए आपको रॉयल्टी इनकम कैसे आती है, या कि जिनको आप बिजनेस ज्वाइन कराते हो जब आप उनको फोन करते हो तो वो सोचते हैं कि लगता है इनका फायदा है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें कि कोई ऐसा आदमी है जो पहले से बिजनेस में है, वही नए आदमी को बिजनेस में लाता है, ये लाता है तो इसकी मदद करता है ना, इसलिए कहता है मीटिंग में जुड़िए, आइए बैठिए, हम आपको बताते हैं कि इस बिजनेस को आप कैसे बड़ा करेंगे, है ना। अब उसका स्वार्थ ये है जो आपको स्पॉन्सर कराया है, वो ये चाहता है कि आप इसमें प्लेटिनम चले जाओ, क्योंकि जब आप प्लेटिनम जाओगे तो कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ कमाओगे, तब आपकी अपलाइन को जो आपको बिजनेस ज्वाइन कराएगी उसको 6% लीडरशिप कमीशन के रूप में कम से कम 50,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। जब तक आपको 1 लाख नहीं आएगा उसको 50,000 मिलेगा आएगा, तो आपकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, इन्होंने आपके साथ अच्छा किया कि बुरा किया, आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस की बात।
आपने तीन लोगों को एक एक लाख रुपए कमाने लायक बना दिया, अलग अलग लेवल प्लेटिनम आप बुलाते हैं, एमराल्ड और आपकी इनकम होती है 3 लाख रुपए पर मंथ के आसपास। आपने तीन लोगों की और मदद कर दी, आपने 6 लोगों को 1-1 लाख रुपए कमाने लायक बनाया, आपने 6 प्लेटिनम बना दिए अलग अलग टीम में, यहाँ पर आप बुलाते हैं डायमंड और आपकी इनकम होती है 3-5 लाख रुपए पर मंथ के आसपास। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये एक्स आदमी इन 6 लोगों को 1-1 लाख रुपए कमाने लायक बनाया, तो इनकी मदद किया कि नहीं किया? तो दोस्तों ये बिजनेस है लोगों की मदद करने का, इसमें आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, है ना। यदि आपको प्लेटिनम जाना है तो अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को कम से कम 3%, 6%, 9%, 18% लेके जाना पड़ेगा, तब आप इसमें प्लेटिनम होगा, है ना। जब दूसरों को पैसा आएगा तब आपको पैसा आएगा। यही एक ऐसा बिजनेस है, यही तो अच्छा लगा था हम लोगों को इस बिजनेस में, कि इस बिजनेस के थ्रू हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं जिनके सपने बड़े बड़े हैं पर उनके पास उन सपनों को पूरा करने का कोई रास्ता नहीं है। हम लोगों के पास खुद हम लोगों की वही स्थिति थी, सपने तो थे बड़े बड़े पर कैसे पूरे होंगे यही नहीं पता लगता था, समझे में नहीं आता था, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ होना नहीं, राइट। तो यही एक ऐसा बिजनेस है कि यदि आप मेहनत इसमें कर सकते हैं, तो मेहनत यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो इसमें अनलिमिटेड पैसा है, आप चाहे जितना पैसा कमा सकते हैं। तो यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर इसमें एक सिद्धांत लगता है, कर भला तो वो भला, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी मदद अपने आप हो जाती है ना। तो ये इस तरह से जब आप डायमंड होते हैं तो आप टोटल फ्री हो जाते हैं, आपके पास मनी की फ्रीडम, टाइम, सिक्योरिटी, रिकग्निशन और फ्रेंड्स, ये पांचों चीजें आपको मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है ना। तो ये यहां तक इस बिजनेस में टोटल 3 काम है, ध्यान रखिएगा। पहला काम है प्रोडक्ट यूज करना, दूसरा काम है नेटवर्क बनाना, और तीसरा काम है कुछ कस्टमर बना, राइट।